अच्छा इस पर अभी इसमें फोम स्पंज भी असली है भाई, मतलब बजट काफी है हमारा और एक ही कलर का सोफा रखा है। जिम भाई आपका इस फिल्म में क्या किरदार है? बस इनके पीछे भाग रहा हूँ जी। इनके पीछे भाग रहे हैं? इनको पकड़ने के लिए मुझे बुलाया गया है। इतने हैंडसम आदमी लड़कियों के पीछे भागो आप? इरफान भाई के पीछे भाग रहे हैं? लड़कियों के पीछे आप भाग रहे हो यार, उनको मेरे पीछे भागने दो भाई। भाई आपको मेरे से मतलब आ जाए ऊंट पहाड़ के नीचे। नहीं भाई आपको बड़े भाई होने के नाते सपोर्ट करना चाहिए ना मुझे। आपको सपोर्ट की जरूरत है? मैं उस दिन ऐश्वर्या के साथ ऐसे सेल्फी रहा था, बीच में इरफान भाई ऐसे मुंडी डाल दी मेरी क्यों। आपको पता है जिमी पाजी को 1996 में पहली फिल्म करी थी माचिस, और आज 2016 20 साल हो गए यार, कमाल है। पाजी आना कैसे हुआ था आपका फिल्मों में? माचिस पहली फिल्म थी गुलजार साहब की, गया उनके पास मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब के लिए था जी। तो वहां गया, उन्होंने पूछा करते क्या हो, मैंने कहा सर मैं एक्टिंग क्लासेस कर रहा हूँ। एक्टिंग करते हो तो डायरेक्शन में क्यों आना चाहते हो? अच्छा। तो वहाँ से बात शुरू हुई थी, और फिर जब मैंने उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने को कहा था, पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट डे उनसे फिर से मिला, तो उन्होंने यही कहा था कि कौन सा रोल पसंद आया तुम्हें। तो मैंने कहा सर वो जिमी का जो है, जिमी क्यों? तो वहाँ से मैंने कहा कि मेरा पेट नेम जिमी है, तो उन्होंने कहा था कि बस ठीक है दाढ़ी उगा लो और बाल उगा लो, यू आर डूइंग द फिल्म। मैं जल्दी से भाग लिया था वहाँ से, इससे पहले कि ये बदल लें अपना बयान, वहां से शुरुआत। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। इरफान भाई आपने 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 तो पहले टीवी से शुरुआत करी थी ना? हाँ टीवी से करनी पड़ती है ना, आपने भी तो वहीं से की। मजबूरी है भाई। पर पाजी मेरा फेवरेट शो आता जो चंद्रकांता जब आता था तो मुझे बड़े अच्छे लगते इरफान भाई। इतनी बार मुलाकात हुई लेकिन मैं कभी पूछना ही भूल गया, इरफान भाई आपने पहला ऑडिशन या पहला कोई भी टीवी सीरियल या फिल्म कब की थी? मैंने बहुत पहले की थी यार, मैं था ड्रामा स्कूल में और हमारी छुट्टियां हुई थी, एंड तब ये प्राइवेट चैनल शुरू हो गए थे और उसमें एक आज़ादी को लेकर एक सीरियल बन रहा था, उसका नाम मैं भूल गया। तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी की ज़रूरत है, करो ये काम। मैंने कहा जी करेंगे बिल्कुल। कुछ 300-300 रुपये कुछ देने मिलने वाले थे, और 300 रुपये बहुत थे हमारे लिए। अच्छा। क्यों, महीना 400 रुपये में चलता था, तो 300 रुपये बहुत हो गए। तो हमने कहा हाँ जी करेंगे, तो हम चले गए वहाँ। तो एक स्टार था यहाँ का जो मतलब फिल्में करके अब टेलीविजन करने लगा था, नाम नहीं लेना चाहता मैं, क्यों फिल्में करके टेलीविजन करने लगा था, कि वो होता है ना कि अब फिल्में नहीं मिल रही चलो टेलीविजन में कमा लो जी। तो वो मतलब वो फ्रीडम फाइटर का रोल कर रहा था। अच्छा। और हम ड्रामा स्कूल में सुनते थे कि यार ये जो है जैसा कैरेक्टर हो वैसा करना चाहिए, और गरीबी है तो गरीब लगना चाहिए, और ये मतलब रियल होना चाहिए। तो वहाँ मैंने देखा उसको, वो बैठे हुए लाल उनके गाल और बाल जो है उनके एकदम शैम्पू से लगे हुए, अभी एकदम नहा के आ रहे हैं जैसे ना। मैंने कहा यार ये कैसे फ्रीडम फाइटर हैं? और मैं अपना सोचे जा रहा हूँ, और पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ तो बहुत कॉन्शियस भी हूँ जी। तो मेरा ये इतना था कि मुझे नॉक करके दरवाजे पे और उनको बोलना था यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा। तो मैं उनको देखूं और मैं समझूं कि यार ये कैसे फ्रीडम फाइटर हैं, मैं क्या मतलब, मैं पतला सा एकदम छोटा सा, वो लंबे चौड़े। मैंने नॉक किया और मैं इतना कॉन्शियस हो गया कि मेरे जब मैंने यूं किया तो मेरी बंदूक हिलने लगी। तो मैंने कहा यू आर अंडर अरेस्ट। तो सब बोले प्रोड्यूसर कट कट कट, अरे भाई कौन किसको अरेस्ट कर रहा है? तो उसने बोला यार ये कहाँ कहाँ से ले आते हो यार। उस आदमी ने बोला, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। बड़ा बड़ी बात होती है आप पहली बार कैमरा पे जा रहे हो। मैं तो खुद रिजेक्ट हो गया था। पाजी तो गवाह है, पाजी शो के जज थे। तो मैं गया तो तू रिजेक्ट नहीं हो सकता। अरे वहाँ पे एक बंगाल से था लड़का क्रिएटिव डायरेक्टर, मेरे को कहता फटाफट 2 मिनट में कॉमेडी करके बताओ। अब लाइन लगी, हजारों लोग हैं बाहर, मेरी भी बंदूक हिल रही थी, कुछ तो हिल रहा था मेरा, पता नहीं। तो मैं सोचू कि 2 मिनट में फटाफट आदमी क्या कॉमेडी करता है, नमस्ते हेलो हाय में निकल जाता है इतना टाइम। तो कोई 2 मिनट में कॉमेडी कर फटाफट, मैं फटाफट करके फटाफट रिजेक्ट होके घर। आदमी क्या करे, और बड़ा मुश्किल होता है सीरियसली। अच्छा मैं ना हमारे दोस्तों का ग्रुप था जिम भाई, 6-7 लोगों का, सब थिएटर वाले लड़के। तो एक लड़का हमारे ग्रुप में था, वो जैसे मैं एक बार दिल्ली गया हूँ, वो 3 बार गया था, तो झूठ बड़ा बोलता था आके। कहते इरफान खान है ना जो रात को कैंडल जला के ना, मैं कहा उनकी आंखें इतनी इंप्रेसिव हैं कि आप डायलॉग ना बोलो आंखों से बात कर लेते हैं।
तो कहता उसके लिए बड़ा रियाज करते हो. मैं क्या कहता, सर से रात में कैंडल जला के ऐसे देखते रहते हैं उसको. तो मतलब तब भी सोचता था जवान आदमी रात को कैंडल जला के कैंडल ही देखेंगे. तो ये सच तो नहीं है ना भाई? है सच है. आप रात को कैंडल देखिए. ऐसा है भाई साहब, आजकल सब कुछ ट्रांसपेरेंट होने लगा है जी. बाल हो जाते हैं अपना, कुछ भी हो जाता है. आंखें तो नहीं होती? हुई है हमारी. ऐसी नहीं थी बचपन में हमारी. ऐसी नहीं थी बचपन ना ना, ये तो फिल्मों में आने के बाद. तो आपने ऐसा क्या देखा आपकी आंखें खुल गई? मतलब इरफान भाई जब देखते हैं तो आदमी लोग से डर जाता है कि नहीं यार कुछ करने वाले. अरे जिम भाई आप इतने हैंडसम हो. जिम भाजी को ज्यादातर लोग चॉकलेटी बॉय बोलते हैं. पाजी जब आप बॉम्बे आए थे स्ट्रगल के टाइम पे, तो स्मार्ट तो आप शुरू से ही हैं, तो मतलब तब तो लड़कियां काफी मरती होंगी. मतलब आइडिया कोई? नाम लूंगा तो बदनाम हो जाएंगे. क्या बात है, अभी भी ख्याल रखते हैं पूरा. जिमी पाजी की आप फिल्में देख लो, पुलिस ऑफिसर, दबंग, कोई कभी कभी नेगेटिव शेड भी करते हैं, ठाकुर के रोल या ऐसे. तो पाजी बाहर तो आपका दबंग ही सिनेमा पे तो कायम है, घर पे आपका करेक्टर कैसा होता है? घर पे नहीं कर पाता तो भी तो बाहर करता हूँ. मैंने ये सवाल बड़े लोगों से पूछा, सबका यही हाल है ना. अभी पिछले हफ्ते ये सबसे सही बोला, सब मैं इंक्लूडेड. तुम्हारा नेता कैसा हो? जैसा मर्जी वैसा हो. जैसा मर्जी नहीं, कहो के डॉक्टर मशहूर गिलाटी जैसा हो. यार कितनी बार तुमको मैंने पुलाया अंदर. तुम्हारा नेता कैसा हो? डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसा हो. वेरी गुड. तुम्हारा नेता, व्हाट अ लवली डे. बॉलीवुड से आए हैं मेरा प्रचार करने के लिए लोग, और मैं पता भी नहीं मेरे को. अच्छा देख लिया इन दोनों को. 100 पे बेड नंबर 3 के पेशेंट के तकिया के नीचे रखो जाके. और सुनो अपना अपना ऑपरेशन शुरू करो, मैं आया. Hi, I am Dr. Mashur Gulati. Nice to meet you. Hi, Dr. Mashur Gulati. KKSS. KKSS क्या होता है? कल का सोसाइटी सेक्रेटरी. अच्छा तो आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? Yeah. I am like boarding in election. आप प्रचार वगैरह क्यों नहीं करते हमारे इलेक्शंस में? तो आप इलेक्शन में खड़े हैं? नहीं, मैं इलेक्शन में बैठा हुआ हूँ. अगर आप प्रचार करेंगे मेरा तो मैं आपकी फिल्म मोहल्ले में टैक्स फ्री कर दूंगा. दैट इज अ प्रॉमिस. ये पाजी इसका फायदा है खुद का, डॉक्टर साहब का ही. आपको पता मदारी क्यों टैक्स फ्री कर रहे हैं? ये खुद बंदर बनते हैं ना बाहर. हाँ, इनके चाचा जी मदारी बनते हैं, पैसा ऐसे ही कमाते हैं ये लोग. नहीं नहीं, वो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. मैं बंदर नहीं बनता, मैं बंदर जैसा लगता हूँ मदारी के साथ. मैंने किया है मदारियों के साथ थोड़ा सा काम, लेकिन नॉट एज ए बंदर, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ बंदर. तो बंदर ऐसे ऐसे करते रहते ना, सिर दर्द हो जाता तो फिर मैं सिर वगैरह दबा देता था. बंदर आपसे पूछते नहीं कि हम तो सड़कों पे नाच रहे हैं, आप डॉक्टर कैसे? बंदर बोल नहीं सकते ना, तो नहीं पूछते ऐसा. सो मैं फिर प्रचार की डील डन समझो जी. इज इट डन? एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट, मैं भी इलेक्शन पे खड़ा हूँ. डॉक्टर साहब आपने क्या सोचा है कि ये मेरे साथ रिश्तेदारी तोड़कर ये आपके लिए प्रचार करेंगे? तेरे साथ रिश्तेदारी? तेरे साथ कोई उधारी नहीं करता बे, तेरे साथ रिश्तेदारी क्यों करेंगे वो? आपको पता पाजी इसका बेटा भी इसे चाय पीने के बाद पैसे देता है ताकि ये रिश्तेदारी ना बना ले उसके साथ. ओ पाजी उससे तो मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि अगर वो फ्री में चाय पीने लगा ना तो लोग उसे इसका बेटा समझने लगेंगे. आप प्लीज मेरे लिए प्रचार करेंगे जिमी भाई, अरफान भाई? आप क्या करेंगे मोहल्ले के लिए? मेरे पास बड़े प्लान्स हैं. क्या तेरे पास शाम को खाने का प्लान है? कोई प्लान नहीं है सोसाइटी के पास, सोसाइटी के लिए प्लान इनके पास. बेवकूफ लोग हैं ये दोनों. मैंने मुंबई को दुबई बना देना है. वो कैसे? मुंह हटा देना, मैंने आगे दू लगा देना है. उसके बाद इंडिया जाने का वीजा तेरे अब्बा जान देंगे. और ऐसे फजूल सवाल करने के लिए मैंने एजुकेशन फ्री करवा देनी है. क्या करा देनी है? एजुकेशन फ्री. तेरे को एजुकेशन के स्पेलिंग किसने बताया बे? अच्छा, इलेक्शन में खड़ा तुम लोग. मैंने क्या करना है?
अगर मैं इलेक्शन जीत गया ना तो मोहल्ले में हर हफ्ते माधुरी दीक्षित का डांस। कैसे कैसे ये भी बताइए कैसे? मैं साड़ी पहन के बड़ा अच्छा करता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है फिर पाजी, ये माधुरी दीक्षित का डांस दिखाएंगे, मैंने शिल्पा शेट्टी का डांस दिखा देना है। वो कैसे? कुछ नहीं, सोनी पे उनका प्रोग्राम आ रहा है, मैंने लोगों को टाइम बता देना है, लोग देख लेंगे। उसमें क्या भैया क्या बात थी? मतलब बात कुछ नहीं, प्रमोशन तो हो गई ना शो की। देखो आप दोनों में से वोट उसे मिलेगा जो हमें एंटरटेन करेगा ज्यादा। ठीक है, अब मैं आप सबको अपना मिमिक्री का टैलेंट दिखाता हूँ। आपने पहचानी इरफान सर? जिमी सर जी, आवाज पहचानी है? नाम है मेरा दारा सिंह। शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है फिर मैं अपना प्रचार खुद ही करूंगा, रहने दो। तालियां। डॉक्टर साहब जब बहुत चले गए तो आप क्यों नहीं जा रहे? जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। थैंक यू, आपने जिससे मुझे बाहर। अरे जाइए।